हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक है सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत में दो तरह के संगठन स्थापित हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हैं। पहले वो जिनको भारत के संविधान में किसी अधिनियम को जोड़कर या संसद के द्वारा किसी अधिनियम को पारित करके जिनका निर्माण किया गया है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, महा कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका संविधान में एक अधिनियम पारित करके इनको बनाया गया है। लेकिन आज का जो हमारा जो सेशन है और आने वाले जितने भी सेशन हैं, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे संस्थान को जिनका किसी संविधान में कोई भी अधिनियम पारित करके उनको बनाया नहीं गया है। वो एक पीएमओ ऑफिस के द्वारा एक मतलब अध्यादेश जारी करके उनका स्थापना किया गया है, सांविधिक निकाय जिनको बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये संविधान के किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए नहीं होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दो टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसमें से एक है सीबीआई। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की। चलिए चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सीबीआई की स्थापना। सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा, यहाँ लिख रहा है एक संकल्प मतलब वही कि ये कोई संविधान में संशोधन करके इसका स्थापना नहीं किया गया है, एक संकल्प पारित करके सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1963 में भी। ठीक है, वही चीज़ आज तक भी चल रही है। आज तक भी संविधान में कोई एक्ट पारित करके इसको संवैधानिक निकाय बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। ठीक है, अब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत में काम कर रहा था 1963 में। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहाँ एक संबंध कार्यालय के रूप में रही। ठीक है, बाद में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी का मामला देखता है का सीबीआई में विलय कर दिया गया। एक पहले था सीबीआई से पहले, एक इंडिया में आज़ादी के बाद स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में स्थापित किया गया था भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। ठीक है, उसका भी मर्जर कर दिया गया सीबीआई में। ठीक है, 1963 में। उसके बाद सीबीआई की अनुशंसा स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की स्थापना की गई थी कि कैसे भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जाए 1962 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1964 में सौंपी थी। ठीक है, तो सीबीआई कोई अब तो उसी के आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया 1963 में। यहाँ तक हमने समझ लिया कि इस्टेब्लिश कैसे हुई। ठीक है, फॉर द करप्शन। और सीबीआई, अब देखिए जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की बात हो रही थी वो यहाँ पे है। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से मिलती है। मैंने बताया ना कि पीएमओ ऑफिस और जो सरकार होती है भारत सरकार, कोई एक अधिनियम अपने स्तर से भी पारित करती है जो संसदीय अधिनियम नहीं होता, जो संवैधानिक अधिनियम नहीं होता। हम बात करेंगे आगे कि संसदीय अधिनियम, असंवैधानिक अधिनियम, अध्यादेश, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से हुई है, उसको शक्ति भी उसी से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। एक होता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, उसकी भी ये सहायता करती है। ठीक है, सीबीआई जब सीवीसी कहीं पे फंस जाते, सीवीसी प्योरली करप्शन को ख़त्म करने वाली एजेंसी है, उसके विरुद्ध वो फाइट करती है। निगरानी विभाग टाइप उसके अंदर ही होता है और जांच वगैरह करती है। जब सीवीसी कहीं स्टक्ड अप होती है तो सीबीआई चार्ज लेती है और सीबीआई उस केस को सॉल्व करती है। सीबीआई के आदर्श वाक्य क्या क्या हैं, मोटो हैं, उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी, उद्देश्य हैं संविधान तथा देश के कानून की रक्षा और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना। ठीक है, अपराधों के विफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना,
कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, यहाँ तक एकदम क्लियर है। इसके विजन क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विजन होते हैं, मोटो होते हैं, तो विजन क्या है, अपने आदर्श वाक्य के उद्देश्य, व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। मतलब वो अपने कार्य करने की शैली में उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, मेनली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीआई, वो यहाँ पर लिखा हुआ। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना, ठीक है। विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना, ठीक है। मतलब कोई भी लंबित मामला है हाँ कोर्ट वोर्ट में, तो उसका सीबीआई जल्दी से जांच करके और उसका रिपोर्ट देके अगर सरकार चाहे तो वो मामला क्लियर करवाएगी। भ्रष्टाचार वगैरह फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, आर्थिक हिंसक अपराधों और कुछ रिसर्च करके वो सब उसमें कमी लाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना, ठीक है। कार्यस्थल पर ये तो इजीली समझ में आ रहा है, थर्ड पॉइंट कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, टीम स्पिरिट, मुक्त संचार एंड आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। वर्किंग कल्चर अच्छा रखना इसका उद्देश्य है, ये अपने इंटरनल मैटर्स को ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। पांचवा है राज्यों के पुलिस संगठनों और कानून लागू करने वाले एजेंसियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना। ये सभी स्टेट पुलिस, केंद्रीय पुलिस एजेंसियों के बीच में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मामलों की छानबीन करता है और कुछ रिसर्चेस में हेल्प भी करता है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करना, जो भी अपराध मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके उनकी जांच तो करते ही है, जैसे सीबीआई हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि सीबीआई ने केस लिया फिर सॉल्व किया, ठीक है, वही चीज़ है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। मानवाधिकार की रक्षा करना, पर्यावरण, कलाओं कला वस्तुओं के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना, ठीक है। अब इतना होता भी है कि एक्चुअल में नहीं पता, बट इसमें लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव ये है। वैज्ञानिक अभिवृद्धि, मानवता तथा जांच, अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। कार्यप्रणाली के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यवसायिकता के लिए प्रयासरत रहना जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे, ठीक है। बात करते हैं सीबीआई के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई, सीबीआई का संगठन। 2016 में सीबीआई की निम्नलिखित शाखा हैं, सात ब्रांचेस होते हैं सीबीआई, अकेले एक कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। पहली शाखा है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन, इतने सारे शाखा हैं, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग क्या क्या कार्य करते हैं वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सीबीआई का गठन, क्योंकि अभी सीबीआई पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतना डीप में भी अभी नहीं जाना है, बाद में देखते हैं उसको। सीबीआई का एक प्रमुख होता है, सहयोग के लिए निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, दो लोग और होते हैं, विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, ठीक है, एक ऊपर प्रमुख, उसके नीचे असिस्टेंट के लिए विशेष निदेशक, उसके नीचे अतिरिक्त निदेशक। इसके मतलब इन सब के अलावा भी अनेक जॉइंट निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक, पुलिस कार्मिकों के अन्य रैंक होते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो पाया, उसका देखना पड़ेगा कि क्या है, बट जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से यही है। कुल मिलाकर इसमें 5000 से अधिक कार्मिक होते हैं, पर्सनल लोग होते हैं, लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं, ठीक है, ये अपने बता दिया कितने कितने लोग कार्य करते हैं। सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य करता है, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान
सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य करता है, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो दिल्ली में है ना, जिसका मर्जर हुआ था सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के बाद सीबीआई में, तो वो सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। 2003 में सीवीसी जिसकी बात कर रहे थे, सीवीसी एक्ट पारित हुआ 2003 में। पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारक निरोध अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं, ठीक है। सीवीसी एक्ट 2003 में पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य करते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। तो ओवरऑल ये क्या, जब एक्ट पारित हुआ ना 2003 का सीवीसी वाला, तो पहले से जो एक्ट था भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, इसके तहत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान मतलब किसी केस का रिसर्च वगैरह करके रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो केस करप्शन से रिलेटेड है, विजिलेंस से रिलेटेड है, कोई मतलब जैसे कार्य ऐसा हो रहा है जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे कॉन्फिडेंशियल है, उसको बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस कार्य को रोकने के लिए सीवीसी का गठन हुआ है। विजिलेंस है ना, कि ताकि कुछ डाटा लीक ना हो, कुछ कहीं करप्शन ना हो, निगरानी टाइप, मॉनिटरिंग टाइट होनी चाहिए इस टाइप की, समझ रहे हो ना आप। सीवीसी के अलग अलग क्लास लगेगी, तो इसलिए सीवीसी का गठन हुआ है। तो उसका ये है, तो जब वो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो दिल्ली में है, वो जब कर लेता है अपना अनुसंधान कार्य, तो उसके बाद सीवीसी उसका वो करता है, रिपोर्ट का एनालिसिस करता है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्यवधि की सुरक्षा मिली है, ठीक है। सीवीसी का ही जो एक्ट पारित हुआ है उसके द्वारा सीबीआई का जो डायरेक्टर है उनको 2 साल की कार्यवधि की सुरक्षा मिली है, ठीक है, 2 साल की कार्यवधि की, ठीक है। इसमें ही एक हमारा सब टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया। अब कोई नाम कोई भी हो, एक्ट पुराने नियमों को भी संशोधित करता है। जैसे लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया, इसमें जो नियम थे उसको इसने अमेंड किया, क्या किया, और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधित निम्नांकित बदलाव किए, क्या किया, देखते हैं। पहला चेंजेस किया इसने, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें अरे हाँ जो ये लोग चयन करते हैं ना सीबीआई के निदेशक की, उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, संघ लोक सेवा आयोग डायरेक्ट तो सीबीआई में भर्ती नहीं करा देगा ना, तो ये हमारे सरकार के लोग करते हैं, क्योंकि सरकार के अधीन ही एक सरकारी निकाय है सीबीआई, ठीक है। तो उसकी एक समिति बनाई जाती है, चयन समिति, 3 सदस्यीय होती है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, एक प्रधानमंत्री खुद होते हैं जो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं, और उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है कोई भी, जैसे अभी करंट में राहुल गांधी थे, ठीक है। और भारत के, और तीसरा मेंबर जो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। आगे बात समझ में। अब लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। एक निदेशक मंडल तो होगा ही लोकपाल का, जिसके शीर्ष पे एक निदेशक होगा, ठीक है, जिसका नाम भी लोकपाल होता है केंद्र में, और राज्य में जो शीर्ष पर निदेशक होता है उसका लोकायुक्त होता है, ठीक है। वो हम बाद में इसका डिटेल में चर्चा करेंगे, केंद्र में ये होता है लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त होता है, ठीक है, 2013 एक्ट के तहत, ठीक है। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर नहीं होगा, पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, पर नहीं है, पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं है, सॉरी फॉर द मिस्टेक,
नहीं होना चाहिए, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई, मतलब लेवल से नीचे का कोई भी ऑफिसर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, आगे वापस हम जॉइंट सेक्रेटरी बात कर रहे थे, यह केंद्रीय, हाँ यहाँ पे थे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से कोई भी उसके रैंक के लेवल से नीचे का कोई भी ऑफिसर लोकपाल या लोकायुक्त नियुक्त नहीं हो पाएगा, ये लिखा हुआ है एज़ पर द लोकपाल एक्ट 2013। ठीक है, यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में काम कार्य करेगा, सीबीआई के नियंत्रण निगरानी में लोकपाल कार्य करेगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। अब उसकी नियुक्ति भी केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार करेगा, जिसका कार्यकाल 2 साल तक होगा, जिसका कार्य 2 साल तक कार्यालय में, उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए, वही कार्यकाल। केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा उससे ऊपर के रैंक नियुक्त करने चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, वही मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जिला पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए, जो मेंबर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टर हो गए या जो सदस्य हो गए, नहीं, मेंबर्स को भी। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, ऊपर तो वो अध्यक्ष, सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऊपर जो मैंने बताया था सीबीआई अध्यक्ष की नियुक्ति वो कौन करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इसके मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है, कि जिसमें एक समिति होती है जिसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त रहते हैं और निगरानी आयुक्तगण भी रहते हैं, गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव भी उसमें रहते हैं। ये सारे लोगों का एक कमेटी होता है जो सीबीआई के मेंबर्स मतलब जो अदर ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे होती है, ठीक है, बाकी लोगों की नियुक्ति ऐसे होती है। थर्ड पॉइंट में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 मैंने कवर कर दिया था। ठीक है, अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए। ठीक है, शीर्ष पर के निदेशक होगा, यह भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद यहाँ पर नहीं है, पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर होगी। अब पता चल गया, सीबीआई का के तहत जो अभियोजन है, केसेस आएंगे जो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के तहत जो केस होंगे, उसका जो निदेशक मंडल होना चाहिए ना, उसके शीर्ष पे एक डायरेक्टर होगा। ठीक है, वो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के लेवल का नहीं होगा और ये सीबीआई के अंडर में काम करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये एक अभियोजन का मतलब केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए एक अभियोजन एजेंसी, एक ब्रांच बनाई जाएगी, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली पुलिस विशेषता पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 ने एक परिवर्तन कर दिया, एक अमेंडमेंट किया गया फिर 2014 में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 में। यह एक्ट कहता है कि जहाँ लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता ना हो, वहाँ लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता समिति, हाँ वही बात, जैसे चुनाव हुए और लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, अभी नहीं चुना गया है, या फिर ऐसा अलायंस आया कि मतलब उसमें पार्टी, कौन सी पार्टी विपक्ष के नेता का चुनाव करेगी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ना संसद में, उसका कोई भी एक मेंबर एज ए विपक्ष का नेता, मतलब विपक्ष के नेता की तरह कार्य करते हुए, और जो हमारा समिति था चयन समिति, ये वाली 3 सदस्यीय समिति में विपक्ष का नेता, इसमें वो शामिल हो सकता है। ठीक है, ये पहले जो अपना अधिनियम था ना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में
ये शामिल नहीं था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर चुना नहीं गया तो किसी भी बड़ी पार्टी का विपक्ष का नेता यहाँ पे कार्य करेगा समिति में, ये नहीं था। तो इसको 2014 में फिर अमेंड किया गया, इस एक्ट को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2014। ठीक है, अब सीबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करती है सीबीआई, ऑफिशियली यहाँ पे जो लिखा है वही काम करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना। ठीक है, कुछ फंड वंड रिलीज हुए, कुछ कहीं करप्शन हुआ, उसका मतलब जांच करेगा, अनुसंधान मतलब जांच करना, रिसर्च करना कि क्या हुआ था उस केस में। अगर और सबसे घूम फिर के बाद प्रैक्टिकली ये आती है कि सीबीआई तभी काम करना शुरू करती है जब सरकार उसको आदेश दे कि इस मामले की जांच करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, फिर राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों, सेकंड पॉइंट राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात, आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम आदि के उल्लंघन के मामले। मतलब ये सीमा शुल्क कितना है, कितना लगेगा, ये नहीं जांच करेगा ये। मतलब सीमा शुल्क कोई नहीं चुका रहा है, कोई उल्लंघन हो गया, कोई करप्शन हो रही है वहाँ पे, उस जो वो जो केस आएगा ना, उनके मामले, रूल तोड़ने के मामले जो आएंगे, वो उनका जांच ये करेगा ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, जब गवर्नमेंट इनको बोलेगी तभी। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, मतलब कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना भी इसका एक कार्य है। और राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को अनुसंधान के लिए हाथ में लगना। जैसे सीबीआई तो केंद्र सरकार की एजेंसी है, लेकिन वो राज्य सरकार का भी कार्य कर सकती है, बशर्ते कि राज्य सरकार उसे ऐसा करने के लिए अनुरोध करे कि नहीं मेरे स्टेट में आइए, ये केस है, इसको हाथ में लीजिए और कार्य करिए। बट इसमें भी अल्टीमेटली केंद्र सरकार का इसको वो चाहिए होगा रिकमेंडेशन। ठीक है, इस पॉइंट के लिए अपराध में संबंधित आंकड़े का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचना का प्रसार, अपराध से संबंधित आंकड़ों का वो डेटाबेस बनाएगी, उसको रखेगी, और जो इन्फॉर्मेशन उससे मिलता है ताकि आगे के जितने केसेस हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाएँ स्टडी पर्पस के लिए, वो सारे सूचनाओं को ये शेयर करेगी। सीबीआई भारत की एक बहु, अब सीबीआई क्या है थोड़ा उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, सीबीआई भारत के बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। पारंपरिक अपराध जैसे कुछ भी मर्डर वर्डर कुछ भी केस हो गया वो भी कर सकती है, आर्थिक अपराध कोई कंपनी भाग गई, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, वो पता नहीं लग पा रहा है कि हाँ क्या है, तो फिर वो सीबीआई हाथ में केस लेती है। भ्रष्टाचार करप्शन के मामले जो स्टार्टिंग से बात करते हुए मारे हैं, ठीक है, समानता ये केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। जनरली ये केंद्र सरकार की एजेंसी है तो केंद्र सरकार के लोगों की ही जाँच करती है। जनरली मैंने ऊपर पढ़ा था ना, इधर राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक मौत के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, वही यहाँ चीज़ भी लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यह हत्या अपहरण बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर ही हाथ में लेती है। देखो मैं बोला ना कि राज्य सरकार के मामले तभी हाथ में लेती है, जैसे हत्या अपहरण बलात्कार जो यहाँ लिखा हुआ पारंपरिक अपराधों वो वाले मामले तभी हाथ में लेती है जब ऐसा करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का डायरेक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, निर्देश प्राप्त होता है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के सेंट्रल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। इंटरपोल का एक नेशनल ब्रांच के रूप में कार्य करता है जिसको नेशनल सेंट्रल ब्यूरो करते हैं सीबीआई। ठीक है, सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसी तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। वही नेशनल ब्रांच है तो इंटरपोल के साथ कुछ अपना कोऑर्डिनेशन वगैरह देखेगी। पूर्वानुमति का प्रावधान, पूर्वानुमति क्या होता है, ठीक है वो आइए देखते हैं। किसी मतलब पूर्वानुमति क्या है, प्री परमिशन लेना, यानी कोई भी केस हाथ में लेने से पहले हमें परमिशन होना चाहिए, वो वाली बात। केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे
उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए अपराधों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत थी। एक पहले रूल था जिसको 6 मई 2012 को असंवैधानिक करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रूल यह था कि उसमें सीबीआई किसी भी वरिष्ठ नौकरशाहों, मतलब जो पुराने लोग हो गए हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस, उनके जांच करने के लिए पूर्व अनुमति, मतलब पहले से परमिशन की ज़रूरत थी, वो ठीक है, वो उसको उस कानून को खारिज कर दिया। अब कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी जांच कर सकती है। एक संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के धारा 6A जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लेख है। अब संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या के दिया 2012 में कि वो आर्टिकल 14 है ना, समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन करता है क्योंकि वरिष्ठ नौकरशाहों की जांच नहीं करेगा, किसी और की जांच आसानी से कर सकता है, वरिष्ठ नौकरशाहों का जांच करने से पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उसको असंवैधानिक करार दिया गया। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। सीबीआई के डायरेक्टर ने बोला कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, यह कई मामलों की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है और उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के किए थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जाँच की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। वही सीबीआई के डायरेक्टर ने क्या बोला वो लिखा हुआ है, आर्टिकल कहीं न्यूज़पेपर से छाप दिया है। फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मुख्य न्यायाधीश क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, खोज निकालना और दंडित करना आईपीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। चाहे वह कोई भी हो, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में पकड़ा जाएगा, ठीक है। किसी सरकारी सेवक पर उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता, ठीक है। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्टाचार अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं, उन्हें जांच और पूछताछ की एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। पीठ ने कहा कि डीपीएसई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6A जो एक दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देता है सीधे सीधे नुकसानदेह है। यह आईपीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने तथा दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। यह कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारी घूस के आरोप हैं, आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं, पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती ना, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वही बोल रहा है, कोई कनिष्ठ अधिकारी तो कोई वरिष्ठ अधिकारी, ऐसा भेदभाव नहीं होगा। पीठ ने आगे कहा कि धारा 6 का प्रावधान भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है क्योंकि बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के केंद्रीय जाँच ब्यूरो प्रारंभिक जाँच भी नहीं कर सकता। जो धारा 6 था ना, दिल्ली डीपीएससी एक्ट कि धारा 6A उसमें ये प्रावधान था, तो उसको उसने असंवैधानिक करार दे दिया। कुल मिला के ये लिखा हुआ, आगे बढ़ते हैं। यह बताते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जांच का लक्ष्य शर्त का पता लगाना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। अब सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, नया हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस क्या है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट SPE विशेष पुलिस प्रतिष्ठान राज्य पुलिस बलों का पूरक है, ठीक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठा अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान अभियोग दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है, जैसे CBI करती है ना केंद्र में, वैसे ही SPE दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत उसको शक्ति मिलती है अनुसंधान और अभियोग दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है, ठीक है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन की स्थिति ना आए इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। अब जो SPE देखती है पूरा, ये स्टेट का, केंद्र का, CBI की बात हो रही है, तो ये SPE का भी एक टॉपिक आ गया है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, ठीक है। SPE के क्या है
वो हम आगे अभी देखते हैं। एसपी उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित हैं, भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। ठीक है, उन्हीं मामलों को लेगा राज्य पुलिस बल, उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित हो, भले ही उनमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी सम्मिलित हों। तो पहला पॉइंट ये पॉइंट ये कह रहा था कि इसमें वो उन्हीं मामलों को लेगा जिसमें स्टेट्स के एम्प्लॉय हों। अगर वो स्टेट्स के एम्प्लॉय केंद्र के किसी संस्थान में भी कार्यरत है ना, तो उनको भी वो जांच करेगा। दूसरा मामला ये कह रहा है कि ये राज्य पुलिस बल उन्हीं को जांच करेगा जो स्टेट्स के किसी स्टेट के कर्मचारी हैं। अगर उस स्टेट के संस्थान में केंद्रीय कर्मचारी भी हैं तब भी वो मामले की जांच कर सकता है। एसपी लोक उद्यमों तथा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों को मामलों को हाथ में लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित हैं। किसी भी संस्थान के मामलों को अपने हाथ में लेके जांच कर सकता है जो केंद्र सरकार के द्वारा संस्थापित किए गए हैं या उनको अनुदान मिल रहा है उनको चलाने के लिए। ठीक है, उनकी जांच वो कर सकता है वैधानिक निकाय होगी। ठीक है, अब सीबीआई का तो है, सीबीआई की कुछ ट्रेनिंग अकादमी भी होनी चाहिए ना। सीबीआई अकादमी के बारे में हम जान लेते हैं। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, 1996 से कार्यरत है। इसका प्रशिक्षण मतलब पहले गाजियाबाद नहीं था, पहले दिल्ली में था ये। ठीक है, सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे पूर्व में पहले। अभी सीबीआई अकादमी का जो विज़न है वो क्या है, अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करना, सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। और इसका लक्ष्य सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण तथा राज्य की राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों को भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। अकादमी परीक्षण गतिविधियों का केंद्र है। परीक्षण गतिविधियों मतलब रिसर्च ये सब या ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनालिसिस जितनी भी चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे होती है। सारी ट्रेनिंग यहाँ पे सीबीआई लोगों की होती है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षकों को नामांकन को नियमित किया जाता है। तो साथ ही वार्षिक प्रशिक्षक कैलेंडर भी एक जारी किया जाता है ताकि ईयर में क्या क्या कौन से प्लानिंग से ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में लिखा हुआ गाजियाबाद की सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक इन सर्विस होता है, ठीक है, और एक जो अभी ट्रेनिंग के लिए गए ना, सीधे नियुक्त डीएसपी, उप निरीक्षक, सीबीआई के सिपाहियों के लिए, जो अभी नए हाल फिलहाल में नियुक्त लोग होते हैं उनके लिए मूल पाठ्यक्रम होता है, एक लंबी अवधि का ये कोर्स होता है। ठीक है, एक इन सर्विस, जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया है अब मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो इन सर्विस के जो मेंबर्स होते हैं ना, सीबीआई के अधिकारी, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों, उनके लिए भी होता है। ठीक है तो उनके लिए भी ये होता है कोर्सेस। ठीक है, तो ये था हमारा सीबीआई से संबंधित कुछ चीज़ें। अब सीबीआई से संबंधित कुछ संदर्भ सूची देख लेते हैं। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग फुल फॉर्म होता है डीओपीटी का। ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उसका देखरेख करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, वही सीबीआई के प्रशासनिक, अब इसी सीबीआई इसी डीओपीटी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सीबीआई का क्लास ख़त्म होता है। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का चैप्टर समाप्त होता है, जो एक गैर संवैधानिक निकाय है। आपको ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करिए। और हिंदी माध्यम का कोर्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी ऑनलाइन, मैं उसको ऑनलाइन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स को बुक से अच्छा वीडियो कोर्सेज के माध्यम से उसको इंटरेक्टिव सेशन मिले और चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ छूट गया हो मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।